आज हम जिस अदाकारा की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने 80 के दशक में धूम मचा दी थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। चाहे पूछ लो कंगना से, कंगना झूठ नहीं बोले राजा जी। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर तरह के रोल बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाती थी, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जितनी खूबसूरत और टैलेंटेड थी, उससे कहीं ज़्यादा वो गुस्सैल भी थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने कई डायरेक्टर और एक्टर्स की पिटाई भी कर दी थी। खौफ ऐसा था कि उनके साथ काम करने वाले को एक्टर्स के पसीने छूट जाते थे। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस फरहानाज की। आखिर कैसे बेशुमार हुस्न और हुनर के बावजूद किस्मत ने फरहानाज को शिकस्त दे दी। इस वीडियो में जानेंगे इस हसीना ने क्यों एक एक्टर की भरे सेट पर पिटाई कर दी थी और एक प्रोड्यूसर को भरी महफिल में थप्पड़ जड़ दिए। साथ ही आपको बताएंगे कि अक्सर महंगे कपड़े और पैरों में 40-50 रुपए की मामूली हवाई चप्पल पहनकर फरहा के उस सेट पर पहुंच जाती थी। इस अभिनेत्री के बारे में बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। फरहानाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जमाल हाशमी और माँ का नाम रिजवाना हाशमी है। इनके माता पिता का तलाक तब हो गया था जब फरहा 5-6 साल की थी। तलाक के बाद इनकी मां ने मायके में रहकर अपने बच्चों की परवरिश की। आपको बता दें, फरहानाज अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है। इनकी मां एक स्कूल टीचर थी, जहां उन्हें 200 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी। फरहा जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी की रिश्ते में भांजी हैं। अक्सर छुट्टियों में फरहा और तब्बू शबाना आजमी के घर जाया करती थी, जहां फिल्मी सितारों का आना जाना लगा रहता था। फरहा बेहद खूबसूरत थी, इसलिए कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने को कहा। इसी बीच जब फरहा की उम्र करीब 15-16 साल की थी, तब देवानंद अपनी एक नई फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। देव साहब के एक परिचित ने उन्हें फरहानाज के बारे में बताया। इसके बाद फरहानाज को उनके परिवार के साथ मुंबई बुलाया गया। फरहा को जब देव साहब ने देखा, तो मानो देखते ही उनको उनकी पसंद की हीरोइन मिल गई। फरहा की खूबसूरती देखकर देव साहब काफ़ी खुश हुए और उनकी माँ से कहा कि फरहा को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के रूप में लॉन्च कर रहे हैं। इसी दौरान देवानंद के दोस्त यश चोपड़ा भी अपनी नई फिल्म फासले के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। यश चोपड़ा को जब देवानंद की नई खोज का पता चला, तो उन्होंने उनसे बात की और कहा कि फिल्म फासले में वो फरहा को लॉन्च करना चाहते हैं। देवानंद ने यश चोपड़ा की बात मान ली और जिस हीरोइन को वो खुद लॉन्च करना चाहते थे, उसे यश चोपड़ा के हवाले कर दिया। यश चोपड़ा ने अपने स्टाफ को फरहा को फिल्मों की शूटिंग का पैटर्न समझाने को कहा। उस वक्त फिल्म युद्ध की शूटिंग चल रही थी। यश चोपड़ा का स्टाफ फरहा को शूटिंग दिखाने के लिए युद्ध के सेट पर ले गया। फिल्म की यूनिट को जैसे ही पता चला कि यश चोपड़ा की नई हीरोइन सेट पर आई है, तो सब उनसे मिलने के लिए पहुँचने लगे। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा शख्स फरहा से मिलने पहुँचा। फरहा बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी और जो चप्पल उनके पैरों में थी, वो टूटी हुई थी। वो आदमी ने मुझे मेरे फेस देखा और पूरा मुझे नीचे तक देखा और मेरी चप्पल टूटी हुई थी। उस शख्स ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी टूटी चप्पल को देखकर उन्हीं के सामने हंसने लगा और कहा कि ये है यश चोपड़ा की हीरोइन। उनका ये व्यवहार देखकर फरहा जब घर गईं तो खूब रोई। खैर, फिल्म फासले की शूटिंग शुरू हुई और 1986 में रिलीज हुई। पर ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म में फरहा ने सबका ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित किया, जिसके बाद बड़े बड़े फिल्म निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। इसके बाद तो फरहानाज को जो नाम, शोहरत और दौलत नसीब हुई, वो बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आती है। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में फरहा ने बॉलीवुड के नाम की। अब फरहा के पास नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ था, पर वो उस शख्स को नहीं भूली जिसने उनकी टूटी चप्पल पर हंसी उड़ाई थी। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिला।
लेकिन इसके बाद फरहा कपड़े तो महंगे पहनती लेकिन चप्पल वो सस्ती क्वालिटी की ही पहनकर सेट पर पहुंच जाती थी। इसके साथ ही फरहा अब वो सीधी साधी फरहा नाज नहीं रही बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे गुस्सैल हीरोइन बन चुकी थी। एक लापा। हाय सदा पे कौन न मर जाए खुदा। कब किस बात पर इनका मूड खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता था। जब उन्हें गुस्सा आता था तब वो बेकाबू हो जाती थी। इनके गुस्से का पहला शिकार चंकी पांडे हुए। इस बात का खुलासा खुद फरहा नाज ने ही एक इंटरव्यू के दौरान किया था। 1989 में फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग के दौरान उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। उन्होंने कहा कि चंकी पांडे उन्हें हमेशा आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे। फरहा ने उन्हें कई बार समझाया पर जब वो नहीं माने तो एक दिन सेट पर ही फरहा ने उनको सबके सामने पीट दिया। इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। फरहा यही नहीं रुकी, एक बार तो फरहा ने चंकी को जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। चंकी पांडे के अलावा उनके गुस्से का शिकार एक प्रोड्यूसर भी हुए। एक बार तो उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को भी धमकाया था। फरहा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1996 में दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी की और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 2002 में दोनों अलग हो गए। बिंदु दारा सिंह से अलग होने के बाद फरहा ने सुमित सहगल से शादी कर ली। फरहा नाज के कुछ गलत फैसले और उनके गुस्से ने उनका करियर बर्बाद कर दिया था। उनकी आखिरी फिल्म 2005 में रिलीज हुई और इसके साथ ही वो फिल्मों से दूर हो गए। तो आपको फरहा नाज के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।